हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अगला वीडियो। आज हम बात करेंगे आयन विभव के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आवर्ती गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो चार प्रकार के आवर्ती गुण हमें पढ़ने थे। ठीक है, पहला था हमारा परमाणु व आयनी त्रिज्या, दूसरा आपका है आयन विभव या आयन ऊर्जा भी इसको हम कहते हैं, तीसरा आपका होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता और चौथा है विद्युतरणता। तो इन चारों में से परमाणु व आयनिक त्रिज्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, देखिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें। तो देखिए, एक परमाणु के बारे में आप जानते होंगे कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में तो होता है नाभिक। ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वर्ताकार कोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहला कोश है, दूसरा कोश है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको यदि इस कोश से बाहर निकाला जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो इसको यदि इस कोश से बाहर निकाला जाए तो बाहर इससे तो निकलेगा नहीं, तो बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो जो ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से दूर ले जाए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको बाहर निकाल ले, उस ऊर्जा को हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी ऊर्जा का वह मान, ऊर्जा का वह मान जो इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाए, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाए, चलिए, तो ये जो ऊर्जा होती है इसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। अब इसको आयनन ऊर्जा क्यों कहा गया, देखिए आपको पता है कि जब कोई भी धातु है, ठीक है, उस धातु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, इसमें एक परमाणु किस में परिवर्तित हो रहा है, आयन में परिवर्तित हो रहा है। तो मतलब ऊर्जा का वह मान जो किसी परमाणु को आयन में परिवर्तित कर दे इसको हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा कहेंगे। मतलब परमाणु को आयन में परिवर्तित करता है इसलिए इसको हमें आयनन ऊर्जा कहते हैं। चलिए, तो देखिए, अब देखिए कोई भी परमाणु है इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो जो ऊर्जा निकलेगी इसको मान लो मैंने क्या बोल दिया, आई पी फर्स्ट बोल दिया। आई पी फर्स्ट क्यों कहा, आई का मतलब तो आयनोजेशन और पी का मतलब पोटेंशियल, मतलब आयनन विभव, ठीक है, और पहला हो गया। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप किसी परमाणु में से ही इलेक्ट्रॉन को निकालें, आप किसी आयन में से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो दूसरा, अगर मैं मान लूँ कि एम प्लस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो ये एम टू प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो ये जो मान होगा इसको मैं कह देता हूँ आई पी टू कह देता हूँ। इसी प्रकार से एम टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला तो ये एम थ्री प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये ई माइनस, इसको मैंने कह दिया आई पी थ्री कह दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आई पी के मान हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे आयनन ऊर्जा का मान उतना ही बढ़ता चला जाता है। मतलब आई पी थ्री का जो मान होगा यहाँ पे वो आई पी टू की तुलना में ज़्यादा होगा और आई पी टू का मान आई पी फर्स्ट की तुलना में अधिक होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कोई भी आपको पता है कोई भी कोश है उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो किस में परिवर्तित हो गया, धनायन में परिवर्तित हो गया। और आपको पता है कि किसी भी धनायन का आकार उस परमाणु से हमेशा छोटा होता है,
आकार छोटा होगा तो इसका मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, नाभिक के निकट जाते हैं, और नाभिक के जितना समीप इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो वो धनायन में परिवर्तित हो गया, तो धनायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। मतलब जितनी ज़्यादा ऊर्जा नाभिक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जितनी ज़्यादा ऊर्जा ये जो कोष होते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ज़्यादा ऊर्जा आवश्यक होती है उसको हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अब देखिए आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाभिकीय आवेश के बारे में। पहला जो कारक है वो तो आपका हो जाएगा नाभिकीय आवेश। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो आयनन ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं सॉरी समानुपाती होती है, नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। अब समानुपाती किस प्रकार से हो गई देखना, देखिए कोई भी परमाणु है, अब किसी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आवेश मतलब नाभिक से आकर्षण जितना अधिक होगा, अगर नाभिक से आकर्षण अधिक होगा तो आप कह सकते हो कि इस परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा, या इसकी आयनिक त्रिज्या कम होगी, और आयनिक त्रिज्या कम होती है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी में बात करता हूँ, दूसरा है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या किस प्रकार से डिपेंड करेगी, आयनन ऊर्जा जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या की व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब क्या हो गया कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ने से मुख्य क्वांटम संख्या का मान नहीं सॉरी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है। देखिए आप मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है कोश के आकार को या कोश या कक्षकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये आपका n बराबर 1 हो गया, मतलब ये जो कोश होगा उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया, 1 हो गया, इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 3 हो गया। तो जितनी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर जाएगा, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता है नाभिक की आकर्षण उतना ही कम होगा, और नाभिक की आकर्षण कम होने से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखें, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता है, जितना दूर होगा उसको निकालने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और उसकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा, और जो जितना नाभिक के नज़दीक होगा उसको निकालने के लिए उतनी ही
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब नाभिक आवेश का मान उतना ही अधिक होता है, सॉरी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। चलिए अब तीसरे की बात करता हूँ मैं। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है इसके अंदर दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्मॉल एल के मान से किस प्रकार से प्रभावित होगा। देखिए एल का जो मान है वो जितना बढ़ेगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है एल के मान की, ठीक है। एल का मान जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरे प्रकार से समझते हैं हमें। देखिए एल का मान आपको पता है कि जीरो तो किसके लिए होता है? एस ऑर्बिटल के लिए। वन किसके लिए होता है? पी ऑर्बिटल के लिए। दो किसके लिए होता है? डी ऑर्बिटल के लिए। तीन होता है एफ ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। अब आपको पता है देखिए एल का मान यहाँ पे बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए अगर इन कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम देखें, ठीक है, एक भेदन क्षमता होती है मतलब कौन कितना नाभिक के नज़दीक होता है और कौन दूर होता है। हम ये से मान सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल जो होता है वो नाभिक के सबसे ज़्यादा नज़दीक पाया जाता है और जो एफ ऑर्बिटल होता है वो नाभिक से उतना ही दूर होता है। तो आपको पता है कि एफ ऑर्बिटल नाभिक से दूर हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा और एस ऑर्बिटल नाभिक की जितना नज़दीक है, ठीक है, नज़दीक होगा तो आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एल का मान जितना अधिक होता है आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है, ठीक है। चलिए अगला है इसके अंदर परिरक्षण प्रभाव। अगला पॉइंट है परिरक्षण प्रभाव। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए परिरक्षण प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा। देखिए चाहे आप संक्रमण धातुओं की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि संक्रमण धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो आंतरिक डी कोष में भरे जाते हैं। मतलब मान लीजिए ये पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दो तो इस बाहर वाले के अंदर निश्चित रहते ही हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में भरे जाएंगे? वो इसके अंदर भरे जाते हैं, 3D के अंदर भरे जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नाभिक है आपका, ये इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगाता है, उसको हम नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोष में भरे जाएंगे तो जितना इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का आकर्षण बल लगना चाहिए उतना आकर्षण बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश आपको पता है समान होता है, ऋणावेश होता है, तो दोनों पे आवेश समान होने से इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और इस प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर जाने लगते हैं और ये जो आपका प्रभाव है इसको हमें परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक से परिरक्षित करते हैं, ठीक है, इसको हम परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। अब आप देखना कि परिरक्षण प्रभाव से मैंने कहा कि जो नाभिक का जो साइज, ये परमाणु का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे, ठीक है। दूर जाएंगे तो आकार क्या हो गया? बढ़ गया। और आकार अगर बढ़ेगा तो आपको पता है कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अगला है पूर्ण भरे हुए या अर्ध पूरित कक्षकों का स्थायित्व है।
देखिए अगर कोई भी ऑर्बिटल या तो आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है तो इन कक्षकों का जो स्थायित्व है वो बाकी की तुलना में अधिक होता है, तो इनमें से ऊर्जा को, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, या हम कह सकते हैं इन कक्षकों के लिए आयनन ऊर्जा का मान हमेशा अधिक होगा। जैसे देखिए एक मैं सिंपली बात करता हूँ, एक तो आपकी Mn2+ है, ठीक है, Mn2+ के अंदर क्या हो जाएगा, 3D कौन सा विन्यास होगा, 3D5 विन्यास हो जाएगा Mn2+ में, क्योंकि Mn में टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो दो तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 3D5 विन्यास हो गया। तो ये जो D5 विन्यास है, D के अंदर टोटल कितने आने चाहिए, 10 और इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, और आ कितने रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो विन्यास है डी ऑर्बिटल का, ये अर्धपूरित विन्यास है, और अर्धपूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका Mn2+ की आयनन ऊर्जा का जो मान होगा वो बहुत ही अधिक होगा, ठीक है। चलिए तो हमेशा से ध्यान रखना है, कोई भी कक्षक यदि अर्धपूरित हो या पूर्णपूरित हो तो इन कक्षकों का स्थायित्व बहुत अधिक होगा, और इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही अधिक होता है। चलिए अगले बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो है आपका प्रभावित करने वाले कारक में, यह है परमाणु या आयन पर आवेश। आयन पर आवेश, देखिए ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आयन है या जो भी परमाणु है तो उस पे जो आवेश है वो जितना ज़्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेश जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखिए एक तो आप कोई भी आयन ले लिया, जैसे मैंने मान लो मैग्नीज ले लिया, ठीक है, या कोई भी आयन, मैं सिंपल मेटल ही ले लेता हूँ, मान लो कोई भी मेटल है, एक तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, और एक आपकी M+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, और एक आपका Mn2+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी आपकी, आपकी Mn2+ जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो धनायन होता है, धनायन पर आवेश जितना अधिक होगा उस आयन का आकार उतना ही कम होता है, मतलब आकार छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु या आयन पर आवेश जितना अधिक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होता है, या हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। तो ये कुछ कारक थे जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा निकाली कैसे जाती है, आयनन ऊर्जा का निर्धारण कैसे होता है। आयनन ऊर्जा का निर्धारण, चलिए देखिए आयनन ऊर्जा के निर्धारण में पहला पॉइंट है आपका बोर सिद्धांत। देखिए बोर सिद्धांत है, बोर सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं उसमें से क्या है कि ऊर्जा को निकालने का एक फॉर्मूला बोर ने बताया था कि न्यू बार जो होता है वो बराबर होगा Rn की, Rn यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसको हम रिटर वर्क कांस्टेंट कहते हैं, और ये हो जाएगा 1/N1² - 1/N2
स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम आर एच कहते हैं। देखिए ये एक समीकरण बोर ने दी थी कि कोई भी कोश है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जाए। तो ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दिया था कि ये बराबर हो जाएगा रिडरवर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिसको रिडरवर्ग स्थिरांक के नाम से जानते हैं, और ये आपके दो कोश हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब एक कोश से दूसरे कोश में जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से कहाँ चला जाए, अनंत में चला जाए, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो बाहर निकल जाएगी तो इसको तो मैं कह दूंगा N1 और इसको मैं कह दूंगा N2, ठीक है। तो N2 का मान तो अनंत हो जाएगा, और ये आपका जितना भी कोश है N1 वो आपका यहाँ पे मान रख दोगे आप। रिडरवर्ग कांस्टेंट एक फिक्स मान होता है, इसका मान होता है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये जब मान रखोगे तो यहाँ से आपकी ऊर्जा का मान निकल के आएगा, ठीक है। इससे हम आयनन ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक और तरीका है इसका, एक स्पेक्ट्रल विधि और है। दूसरी एक स्पेक्ट्रल विधि और है। स्पेक्ट्रल विधि क्या होती है कि कोई भी, चलिए स्पेक्ट्रल विधि देखो क्या होती है। इस विधि में क्या होता है, कोई भी तत्व है उसका आयनीकरण करवाया जाएगा, ठीक है। किसी भी तत्व का आयनीकरण करवाना होता है, और आयनीकरण से इस आयनीकरण में जितनी भी अवशोषित ऊर्जा होती है, मतलब इस आयनीकरण में जितनी भी ऊर्जा अवशोषित होती है उसका लिया जाएगा स्पेक्ट्रम, और इस स्पेक्ट्रम के आधार पे आयनन ऊर्जा का परिकलन किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी तत्व होगा उसका आयनीकरण करवाया जाएगा, आयनीकरण में जितनी भी अवशोषित ऊर्जा होती है इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया जाता है, और इस स्पेक्ट्रम के आधार पे हम आयनन ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये दो विधियाँ थी जिसके थ्रू हम आयनन ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे, अब बात आती है आवर्त सारणी में परवर्ती की। चलिए देखिए आवर्त सारणी में परवर्ती क्या होती है। देखिए सिंपली हम बात करते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो आपको पता है कि एक एक मुख्य कोश जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और कोश की संख्या बढ़ने से आपको पता है कि आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब एक आवर्त में आप दाएं से बाएं जाते हैं तो आपको पता है कि साइज क्या हो जाता है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो परमाणु त्रिज्या जब कम होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल बात हो गई, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अब कुछ अपवाद हैं, उन अपवाद को हमें ध्यान में रखना है। देखिए अपवाद क्या है, देखिए नॉर्मली आपको पता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए कुछ अपवाद के बारे में हम चर्चा करते हैं, और मैं इसके अलावा ये चीज़ और बता दूं कि आयनन ऊर्जा का मान इधर से इधर जाने में आपको पता है इंक्रीज होता है, और ये जो आपकी लास्ट की अक्रिय गैस जो होती है इन गैसों में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो किसी भी आवर्त में अक्रिय गैस का आयनन विभव क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अक्रिय गैस का आयनन विभव हमेशा सर्वाधिक होता है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्रिय गैस जो होती है वो एक स्थायी विन्यास होता है,
इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक आवर्त में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ये आयनन विभव का मान अक्रिय गैस का होता है। अब मैं बात करूँ क्षार धातुओं की। क्षार धातु के अंदर क्या होगा कि क्षार धातु क्या होती है, फर्स्ट ब्लॉक में होती है, मतलब सबसे पहला जो वर्ग होता है वो क्षार धातु का होता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इनका जो विन्यास हो जाता है वो अक्रिय गैस विन्यास हो जाता है। तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही चाहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो आयनन विभव होगा वो सबसे कम होगा। आयनन विभव आवर्त में सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसलिए कहे जाते हैं कि ये प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संक्रमण धातुओं के बारे में। देखिए संक्रमण धातुएं जो है उनका आकार लगभग समान बना रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो आयनन विभव का मान होगा वो सभी तत्वों में लगभग समान सा होता है, लगभग समान सा होता है, क्योंकि इनका जो आकार होता है उनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, लगभग समान सा आकार होता है, इसलिए इन धातुओं का आयनन विभव भी लगभग समान होता है। चलिए अब इनके कुछ अपवाद की बात करता हूँ मैं। देखिए अपवाद क्या होते हैं, देखिए अब बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे, ठीक है, तो बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे भी नॉर्मल सी बात है, ऊपर से नीचे जाने में आयनन विभव का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में आयनन विभव का मान कम ही होता है, लेकिन जब आप गैलियम की ओर जाओगे तो यहां पे आयनन विभव का मान बढ़ता है, और फिर आप जाओगे बोरोन इंडियम और फिर आएगा थेलियम, तो यहाँ से यहाँ में वापस कम होगा और यहाँ से यहाँ जाने में वापस बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब देखो नॉर्मली सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे गैलियम का थेलियम का इन दोनों के जो आयनन विभव के मान हैं वो अपेक्षा से अधिक होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका रीज़न ये है कि गैलियम जब आएगा तो इससे पहले 10 संक्रमण तत्व और आ जाते हैं, और थेलियम जब आता है तो इससे पहले 14 अंतर संक्रमण तत्व और नए जुड़ जाते हैं, मतलब इनसे पहले 10 संक्रमण तत्व नए जुड़ गए, इनसे पहले 14 अंतर संक्रमण तत्व नए जुड़ गए। इस वजह से भाई अंतर संक्रमण तत्व नए जुड़ेंगे तो वो किस कोष में जाएंगे, वो हमेशा आंतरिक कोष में जाएंगे, और आंतरिक कोष में जाने के कारण आपको पता है कि आकार में क्या होती है, कमी आती है, लेंथ लाइट संकुचन हुआ तो आकार में कमी आती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं बात करता हूँ, जैसे आप बोरोन हैं, कार्बन हैं, नाइट्रोजन हैं, ऑक्सीजन हैं, फ्लोरीन हैं, इनकी तरफ जाते हो तो नाइट्रोजन आपको पता है नॉर्मली क्या होना चाहिए, मान बढ़ना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का जो आयनन विभव का मान है वो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है, और ये क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास किस प्रकार से कि इसके पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए लेकिन कितने हैं, 3 हैं, तो अर्धपूरित विन्यास होने के कारण इसका आयनन विभव का मान हमेशा ऑक्सीजन से अधिक होगा। ठीक है, तो ये अर्धपूरित विन्यास का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं आयनन विभव के।